हेलो भाई, आज हम जो बात करेंगे वो है हमारे ट्राइसेप के लॉन्ग हेड के लिए। ठीक है, मेरे पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं लड़कों की, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि भैया लॉन्ग हेड जो हमारा ट्राइसेप का अंदर का हिस्सा, लड़के जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि अंदर का हिस्सा जो हमारे ट्राइसेप का है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज आप बताओ। ठीक है, तो मैंने उसके लिए, वैसे तो मुझे तो कोई बता नहीं सकता हूँ कि भाई क्या करना है, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई है छोटी सी। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, तो आप उनको फॉलो करो और उससे आपके लॉन्ग हेड बहुत अच्छे से डेवलप होगा। ये हमारा ये प्रॉपर लॉन्ग हेड है, तो इसके लिए इसके लिए आज कुछ ट्रेनिंग बताता हूँ आपको। 3 वर्कआउट आपको बताऊंगा जो आप करेंगे अगर रेगुलर अच्छे से, तो आपका पक्का डेवलप होगा ये। ठीक गाइस, आज हम ट्राइसेप का वर्कआउट करेंगे जिसमें कि हम ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को ट्रेन करेंगे। ठीक है, चल अभी इस एक्सरसाइज का नाम है वन आर्म रिवर्स पुश डाउन। इसमें हमारा ट्राइसेप का जो इनर हेड है, जिसको लॉन्ग हेड भी बोलते हैं, वो हिट होता है। किसी का अगर ये अंदर से ट्राइसेप वीक हो, तो ये ट्रेनिंग उसके लिए, ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है उसके लिए। और इसके लड़के को 10 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट करने हैं। चल अच्छे से स्क्वीज करना है मसल को, जिससे कि आपका लॉन्ग हेड अच्छे से स्क्वीज हो और उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो। स्क्वीज, ये एग्जैक्ट मसल है इसका जिसको हम हिट कर रहे हैं। चल बस, अभी ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज है। इसका नाम है, चल इसका नाम है ओवरहेड पुश डाउन विद वी हैंडल। ठीक है, आपको वी हैंडल से ये करना है, और इसमें आपको बहुत आराम से वेट मॉडरेट रखना है। वेट बहुत ज़्यादा लेने की इसमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो इसमें वेट मॉडरेट रखना है और अपना आराम से बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल रेंज ऑफ मोशन फुल रखना है। पीछे तक अच्छे से लेके जाना और आगे अच्छे से पुश करके मसल को स्क्वीज करना है। ठीक है, तो ये आपका ट्राइसेप के लिए बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। इसमें लोग बेसिकली क्या करते हैं कि वेट बहुत ज़्यादा लोड लेके, और इसका तरीका देखो क्या करते हैं, करके दिखाओ जरा कैसे करते हैं लोग, ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, वेट बहुत ज़्यादा लेते हैं, बट इसमें वेट बहुत ज़्यादा क्योंकि जरूरत होती नहीं है, तो इसको आराम से ऐसे बॉडी स्ट्रेट रखनी है बिल्कुल, और ज़्यादा बेंड होने का जरूरत नहीं है, और इसमें अच्छे से मसल को स्क्वीज करना, पीछे अच्छे से लेकर जाना। तो ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बट इसको करना बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, रेंज ऑफ मोशन फुल रखना है, और इसमें आराम से बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करना। ठीक है, और ट्राइसेप करने के बाद आपको एक ऐसे पोज करना बहुत जरूरी है मसल से, उससे आपका डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर दिखती है मसल, और डेफिनेशन बढ़ता है, तो आपका पोजिंग की प्रैक्टिस भी होती है। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए दूसरी तरफ से दोनों, और दोनों तरफ से बराबर करना है। ठीक है, तो उसमें आपको उससे भी स्टेज पे परफॉर्म करने में भी हेल्प मिलेगी इससे। अभी हम ट्राइसेप का थर्ड वर्कआउट जो करेंगे वो है ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। ठीक है, ये हमारे ट्राइसेप के साइज के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, और इसको परफॉर्म करने का तरीका क्या है वो अभी धनु भाई बताएंगे। चलो उठाइए इसको। इसमें सबसे पहले क्या है कि आपका आर्म का जो नेचुरल पोजीशन है, आपको बहुत ज्यादा अंदर की तरफ, लोग क्या करते हैं उठा के अंदर ऐसे कोई एक बंदे से पकड़वा के ऐसे दबवाते हैं हाथ को, बट वो नहीं करना होता। जितना आपका नेचुरल पोजीशन है हाथ का, वो आपको रखना है, ना बहुत ज्यादा अंदर और ना बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रहना चाहिए। तो एल्बो जहाँ पे आपका कंफर्टेबली है वहाँ पे आपको ये करना है, और अच्छे से नीचे तक रेंज ऑफ मोशन फुल रखना है ट्राइसेप का, कोई भी वर्कआउट होगा आपका। ठीक है, तो अच्छे से नीचे लेके आना है और अच्छे से ऊपर ले करके जाना है। पर बिल्कुल बिल्कुल एक लॉक लॉक नहीं करना ऊपर एल्बोज को, लॉक होने से पहले हल्का सा, पहले बहुत हल्का सा पहले रुक जाना, लॉक नहीं करना है, पर ऊपर अच्छे से लेके जाना है फिर भी इसको, और नीचे अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए मसल, नीचे जाना है अच्छे से। और इसके भी आपको वही 10 से 12 रेपिटेशन और 3 सेट आपको इस वर्कआउट के भी सेम, जो आप पहले के वर्कआउट थे उनकी तरह इसमें भी सेम रेपिटेशन रखने हैं, और करना ये भी है इसी में भी, अगर आप जब सेट मारेंगे उसके बाद में पोज का प्रैक्टिस आपको उसमें हर वर्कआउट के बाद करना है, क्योंकि ये भी कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन पे है, तो उससे इनका क्या है परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है स्टेज के ऊपर। दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से करना, और ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से, यहाँ से पोज देना उधर से, दोनों तरफ से एक प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको।